ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता किचन। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे भिंडी का पराठा, जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। शायद आपने भिंडी के पराठे अभी तक खाए भी नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई रेसिपी है। आप इसे एक बार जरूर बना के ट्राई करें और देखें इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाते हैं भिंडी का चटपटा और क्रिस्पी पराठा। भिंडी का पराठा बनाने के लिए हमने 250 ग्राम भिंडी लिया है। इसे हमने आधे घंटे पहले धोकर रख दिया था, जिससे इसके सारे पानी सूख गए हैं। अगर टाइम नहीं है तो इसे कपड़े से पोंछ कर इसके पानी सुखा लें, लेकिन इसमें पानी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। पराठे बनाने के लिए इस तरह के छोटे और मुलायम भिंडी लें तो उसके पराठे अच्छे बनेंगे। अब हम इसे काटेंगे। सबसे पहले हम इसके दोनों कॉर्नर हटा देंगे, ये देखिए। इसके बाद इसे हम बीच से चीर लेंगे। दूसरी तरफ से भी इसे हम बीच में चीर लेंगे, यानी इसके हम चार पार्ट कर लेंगे। अब इसे हम काटेंगे। इसे हमें बिल्कुल बारीक काटना है, जितना पतला काट सके उतना पतला काटें। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक। हमें इसे आटे के साथ गूंदना है, इसलिए हम जितना पतला हो सकेगा उतना पतला काटेंगे। अगर भिंडी बारीक रहेगा तो इसे आटे के साथ डालकर गूंदने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने भिंडी की सब्जी या फिर भिंडी के बहुत सारे डिशेज बनाए होंगे, एक बार भिंडी के पराठे भी बनाकर देखें। ये बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही टेस्टी होता है। इसी तरह से हम सारे भिंडी बिल्कुल बारीक काट लेंगे। सारे भिंडी को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप इसमें हरा मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं अगर और चटपटा करना चाहें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे। भिंडी में अमचूर पाउडर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि खट्टा डालने से इसका लसलसाहट खत्म हो जाता है, भिंडी लसलसाता बहुत है। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालें। अब सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले और भिंडी को। ये हमने आधा नींबू लिया है, इसे हम इसमें निचोड़ देंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1 नींबू का रस या फिर 2 नींबू का रस डाल दें तो ये और ही चटपटा बनेगा और इसे भिंडी की लसलसाहट भी खत्म हो जाएगी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी लसलसाता बहुत है, नींबू या फिर कोई भी खट्टा चीज़ डालने से इसकी लसलसाहट खत्म हो जाती है, इसलिए इसमें खट्टा डालना बहुत ही ज़रूरी है और इससे ये खाने में भी चटपटा लगेगा। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। ये हमने 1/4 कप बेसन लिया है, यानी 3 टेबल स्पून के करीब। और इसमें हम 1.5 कप गेहूँ का आटा डालेंगे, 1 कप, और ये 1/2 कप। इसमें हमने 1/4 कप बेसन और 1.5 कप गेहूं का आटा डाला है। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इससे इसका टेस्ट और खुशबू दोनों अच्छा आता है। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अगर अजवाइन का टेस्ट पसंद करते हैं तो आप इसमें अजवाइन भी डाल दें। 1 टेबल स्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, इससे पराठा खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे भिंडी, सारे मसाले, आटा और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, पहले भिंडी और आटा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम दबा दबा कर अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आप इसमें हरा मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच, और इसका आटा लगाएंगे। 1 या 2 चम्मच पानी से ही आटा गूंद कर तैयार हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल पराठे का आटा लगाते हैं उसी तरह से इसका भी लगाएंगे। इसे हमने अच्छे से गूंद कर तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें लसलसाहट नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे तो इसमें जो भी हल्का फुल्का लसलसाहट होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब इसे हम ढक के 10-15 मिनट रख देते हैं। इसे हमने 15 मिनट ढक के रख दिया था, अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसका लसलसाहट ही खत्म हो गया है। अब इसे हम हल्का सा और सॉफ्ट कर लेंगे और अब इसके हम पराठे बनाएंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसका हम गोला बनाएंगे और इसे हम चकले पे रखेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे
जिससे इसे बेलने में प्रॉब्लम ना हो। आप इसे ट्रायंगल में भी बना सकते हैं और गोल पराठा भी बना सकते हैं, जैसा चाहे बना ले। इसे हमने बेल कर थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, आप इसमें घी भी लगा सकते हैं। और इसे हम फोल्ड कर लेंगे और इसे प्रेस करेंगे और ऊपर से फिर से ऑयल लगाएंगे और इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसे हम प्रेस करेंगे और थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम बेलकर बड़ा करेंगे। आप इसे जितना मोटा पतला बनाना चाहे बना लें, वैसे पराठा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। आप इसे गोल या ट्रायंगल में जैसा चाहे बना लें। अब ये पराठा बनके तैयार हो गया, ये देखिए ये कितना पतला बना है। आप इसे जितना पतला मोटा बनाना चाहे बना लें। अब हम एक पराठा गोल में भी बना लेते हैं। इसके लिए हम एक लोई लेंगे और इसे हम बेल के थोड़ा बड़ा करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम चारों तरफ से फोल्ड करेंगे। अब इसे हम हाथ से प्रेस करेंगे और थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम बेल के बड़ा कर लेंगे। आप इसे जितना छोटा बड़ा मोटा पतला बनाना चाहे बना लें। इसी तरह से हम सारे पराठे बेल के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये बड़ा हो गया। अब इसे हम सेक लेते हैं। अब हम गैस पर तवा रखेंगे और तवा को गर्म होने देंगे और इसमें पराठे डालेंगे और 1 मिनट इसी तरह छोड़ देंगे। अब ये एक तरफ हल्का सा हो गया है। अब इसे हम धीरे से पलट देंगे और इसमें हम ऑयल लगाएंगे। हम चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा देंगे और इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी ऑयल लगाएंगे। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे और दोनों तरफ इसे उलट पलट के अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अब ये दोनों तरफ अच्छा क्रिस्पी हो गया है, ये देखिए। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी पे हम और भी पराठे डाल के सेक लेंगे। पराठे डालेंगे, पलटेंगे, ऑयल लगाएंगे और इसे उलट पलट के अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। अब सेम टाइप से हम गोल पराठा भी सेक कर तैयार कर लेंगे। अब ये गर्मा गर्म भिंडी का पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप इसे टमाटर सॉस, चिली सॉस, हरी धनिया की चटनी, सब्जी या फिर दही किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और आपको ये खाने में कैसा लगा। और अगर आप कोई नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम बना के डालेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें और कमेंट जरूर करिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।